ऐश्वर्य राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, रितेश देशमुख, जॉन अब्राहम, चंदा कोचर, अजय पिरामल, ये सारे वो लोग हैं जो कि पढ़े हैं जय हिंद कॉलेज मुंबई से। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जय हिंद कॉलेज मुंबई के बारे में क्या कहना है यहाँ से पढ़े स्टूडेंट्स का अपने दिए गए रिव्यूज में शिक्षा.com पर। साथ ही हम चेक करेंगे यहाँ का प्लेसमेंट कैसा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मेन कोर्सेज कौन कौन से हैं, फीस क्या जाती है और कट ऑफ यहाँ पर क्या रहती है। बेसिक फैसिलिटीज लाइक क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, लैब्स, कैफेटेरिया, जिम एंड स्पोर्ट्स ग्राउंड्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। द कॉलेज हाउएवर डजंट प्रोवाइड अ हॉस्टल फैसिलिटी एज पर रिव्यूज ऑन शिक्षा.com। स्टूडेंट्स ने कहा कि इफ यू आर लुकिंग टू अप्लाई इन JHC देन डू लुक फॉर अ PG or an apartment simultaneously as there is no hostel facility provided by this college. इसके अलावा कुछ students ने बताया कि although Wi-Fi facility is available but they have to pay money to avail this facility. Students ने शिक्षा.com पर JHC को infrastructure के मामले में दिए हैं 4.4 stars. In 2022 placement drive, a total of 186 UG students got placed. The median salary package here was around ₹3.62 lakh per annum. वहीं बात अगर PG courses करें तो सिर्फ 22 students got placed and the median salary package was of ₹4 lakh per annum. 2020 mein median package was around ₹3.25 lakh per annum, jo ki 2021 mein peak figure par pahunch gaya jo tha 6.5 lakh per annum. And then agle saal yani 2022 mein wapas gir kar pahunch gaya 3.62 lakh per annum. As compared to 2021, the median UG salary package dropped by 44% in 2022. वहीं पीजी कोर्सेज को देखें तो 2019 में इट वाज जस्ट ₹2.75 लाख पर एनम, 2021 में इट रोज टू ₹3.52 लाख पर एनम, इन 2022 अगेन इट विटनेस्ड अ स्लाइट ग्रोथ एंड द मीडियन सैलरी फिगर वेंट अप टू ₹4 लाख पर एनम। 2021 से कंपेयर करें तो इट सॉ अ ग्रोथ ऑफ 14%। अब प्लेसमेंट रेट पर आते हैं। इन 2022 जस्ट 186 आउट ऑफ 1366 यूजी स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड, वहीं 77 में से सिर्फ 22 पीजी स्टूडेंट्स को जॉब मिल पाई। प्रीवियस इयर्स के प्लेसमेंट रेट ट्रेंड को देखें तो साफ है कि जय हिंद कॉलेज में स्टूडेंट्स को जॉब बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। 2020 में जहां 66% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया था, 2021 में सिर्फ 20% स्टूडेंट्स को ही जॉब मिल पाई। 2022 में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन 71% स्टूडेंट्स को फिर भी कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिला। Out of the total students placed, 32% of the students got placed in business development field, 21% went to marketing, 17% got media and communications jobs, 15% went to education sector and 15% students went to operations field. Kuch students placement ko decent batate hain to kuch students placement ko insufficient batate hain. इन सब के बाद भी शिक्षा.com पर जय हिंद कॉलेज को प्लेसमेंट के पैरामीटर में मिले हैं 4 स्टार्स। जय हिंद कॉलेज में बहुत सारे यूजी और पीजी कोर्सेज हैं, बट द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज हियर आर बीएससी, बीए, एमएससी, बीकॉम और बीवॉक। बीएससी में यहां पर 4 वेरिएशंस अवेलेबल हैं, जिनकी फीस अराउंड ₹23,000 से लेकर ₹1.22 लाख तक जाती है। वहीं बीए की फीस ₹21,000 से लेकर ₹87,000 तक जा सकती है। द कोर्स हियर इज अवेलेबल इन 3 स्पेशलाइजेशंस। इसी तरह बीकॉम और बीवॉक की फीस भी आप देख सकते हैं, जस्ट विजिट शिक्षा.com। फैकल्टी के बारे में स्टूडेंट्स ने शिक्षा.com पर कहा कि दे आर हेल्पफुल एंड इंडस्ट्री वेटरन्स। अदर स्टूडेंट्स ऑल्दो सेड दैट कि समटाइम्स टीचर्स डोंट टीच प्रॉपरली, जिसकी वजह से सेमेस्टर एंड में सिलेबस इनकम्प्लीट रहता है और स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस को भी एक चैलेंज बताया है और कहा कि एटलीस्ट 75% अटेंडेंस इज नेसेसरी, फेलिंग टू विच स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू सिट इन देयर एग्जाम्स। अपनी रेटिंग्स में स्टूडेंट्स यहां की फैकल्टी और कोर्स करिकुलम को देते हैं 4.4 स्टार्स। वैल्यू फॉर मनी के मामले में कॉलेज को मिलते हैं 4.5 स्टार्स और ओवरऑल सारे पैमानों का एवरेज देखा जाए तो कॉलेज को मिले हैं 4.4 स्टार्स। सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ जय हिंद कॉलेज ऑफ मुंबई। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारी इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।